नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सब मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक चैनल पे। एस्ट्रो तक चैनल बेल आइकन प्रेस करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चुनावी दौरान चल रहा है तो चुनाव में इस बार जयप्रदा भी सबसे आगे चल रही हैं। जयप्रदा के क्या कहते हैं ग्रह, क्या कहते हैं उनके सितारे, उनकी कुंडली क्या कहती है, आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो जयप्रदा जी का जो हमें जन्म की तिथि और स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 3 अप्रैल 1959 का। 3 अप्रैल 1959 की उनकी जन्मतिथि है। समय उनका है दोपहर का दो बजे का। और साथ साथ प्लेस की अगर या स्थान की बात करें तो है आंध्र प्रदेश में राजामुंद्री। तो हमें जो कुंडली प्राप्त हुई है वो उनकी हुई है कर्क लग्न की कुंडली है, और साथ ही साथ मकर इनकी चंद्र राशि है। तो अगर हम बात करें इनकी कुंडली की तो सबसे पहले कुंडली में हम देखेंगे महादशा और अंतरदशा किसकी चल रही है। तो इनकी कुंडली में महादशा बुध की चल रही है। बुध की महादशा जो इनकी शुरू हुई है वो हुई है 30 अप्रैल 2018 से आरंभ हुई है और 30 अप्रैल 2035 तक इनकी बुध की महादशा रहेगी। अगर हम अंतरदशा की बात करें तो 30 अप्रैल 2018 से इनकी अंतरदशा भी प्रारंभ हुई थी जो कि रहेगी 26 सितंबर 2020 तक। तो कहीं ना कहीं बुध के अंदर ही बुध चल रहा है, बुध की महादशा और बुध की ही अंतरदशा। ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तेज़ी गति से आगे बढ़ता है। दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो बहुत स्पीड से आते हैं। कहीं ना कहीं इंसान को विजय भी प्राप्त होती है। मगर हम अगर कुंडली की बात करें इनकी तो इनकी कुंडली में राहु जो बैठा है वो बैठा है तीसरे भाव में, तीसरा भाव में। और इनकी जो राशि है तीसरे भाव में वो है कन्या राशि। कन्या राशि में राहु बैठा हुआ है तीसरे भाव में। कन्या राशि में राहु स्थित है इनकी कुंडली में, जयप्रदा जी की कुंडली में। तीसरा भाव एक तरह से धैर्य देखते हैं कि धैर्य कैसा होगा व्यक्ति का। तो मुझे इस वक्त नहीं लगता राहु क्योंकि बैठा हुआ है कि धैर्य इनको रहेगा किसी भी चीज़ में। साथ ही जैसे मैंने बताया कि बुध में ही बुध की अंतरदशा चल रही है तो व्यक्ति ऐसे में तेज़ गति में तो होता ही है, मगर जहाँ अगर राहु की बात करें तो राहु इनको धैर्य रखने नहीं देगा। इसीलिए ये जल्दी जल्दी आगे फैसले लेने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं वाद विवाद में भी पड़ सकती हैं। पंचम में इनके बैठा है गुरु। साथ ही राशि जो इनकी लग रही है वो लग रही है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि लग रही है। पंचम में बैठा गुरु इनको कहीं ना कहीं दिमाग से तेज़ तो बना ही रहा है क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, हम इन व्यक्ति का दिमाग देखते हैं, व्यक्ति की बुद्धि देखते हैं, व्यक्ति किस रुचि में है। तो कहीं ना कहीं इनको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग राजनेता तो बनाएगी ही बनाएगी। साथ ही साथ ये इस समय एक अच्छे ऐसे डिसीजंस भी कहीं ना कहीं लेंगी ही लेंगी। कहीं ये वाद विवाद में भी पड़ सकती हैं, कहीं ना कहीं इनके डिसीजंस भी अच्छे चलेंगे चलेंगे। मगर शनि, क्योंकि इनकी शनि की साढ़े साथी भी चल रही है इस समय, शनि इनका बैठा है छठे भाव में नवम राशि यानी धनु राशि में। तो शनि जो है कहीं ना कहीं इनके शत्रु भी बनाएगा। इसी वाद विवाद के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है इनके शत्रु भी बने। मंगल जो इनका बैठा है वो बैठा है 12वें भाव में मिथुन राशि में। 9th हाउस में यानी 9वें भाव में इनका सूर्य बुध और केतु स्थित हैं, और 9वें भाव में इनकी 12वीं राशि यानी पाइसिस मीन राशि स्थित है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति, क्योंकि गुरु की राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, साथ ही साथ 9th हाउस से हम वैसे स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, इसमें केतु भी स्थित है, केतु भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि धार्मिक यात्राएं करें, धार्मिक स्थलों पे जाएं, साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें। मगर इस समय जो इनको हम अगर महादशा से ही देखा जाए तो बुध के अंदर बुध चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति को एक उच्च पद की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसे में व्यक्ति तेज़ गति से आगे भी बढ़ता है और उसको विजय भी प्राप्त होती है। तो इस बार के चुनाव में जयप्रदा जी को विजय प्राप्त ज़रूर होगी, मगर कहीं ना कहीं हो सकता है शनि की साढ़े साथी के कारण ये अपने विरोधियों को खड़ा कर ले, क्योंकि
शत्रु भाव में यानी सिक्स हाउस में इनके शनि भी उपस्थित है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं विरोधी इनका विरोध भी करें, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतिम में जीत इन्हीं को ही प्राप्त होगी। तो इसी के साथ देखते रहिए एस्ट्रो तक चैनल, मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।